नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। ठेका कर्मचारियों को ई सिस्टम से वेतन जारी करने की तैयारी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठेका सफाई कर्मियों को ई सिस्टम से वेतन जारी करने की तैयारी तेज। नगर निगम में कार्यदायी संस्था के जरिए तैनात करीब 10,000 कर्मचारियों के लिए नवम्बर से ई वेतन सिस्टम लागू होना है। इसके लागू होने होते ही कार्यदायी संस्थाएं कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएंगे। नगर निगम से सीधे वेतन कर्मचारियों के खाते में जाएगा। नगर निगम ने करीब 30 कार्यदायी संस्थाओं को 16 अक्टूबर तक कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा जमा करने का आदेश दिया है। नगर निगम में कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से करीब 10,000 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। शासन द्वारा नियम के तहत उन्हें हर महीने 10,088 रुपये मिलना चाहिए। EPF व ESI की का भी करीब 1,170 रुपये मिलने चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। कार्यदायी संस्थाएं इसमें खेल कर रही हैं। EPF व ESI तो दूर व पूरा पैसा भी, उनके वेतन का पैसा भी नहीं देती हैं। संस्थाएं 2,000 रुपये तक की कटौती कर लेती हैं। वहीं कार्यदायी संस्थाओं की ओर से EPF व ESI जमा न करने को लेकर जांच भी चल रही है। EPF विभाग कई बार नोटिस भी जारी कर चुका है। इसके बाद अब नवंबर से नगर निगम में ई वेतन सिस्टम लागू किया जा रहा है और जो ठेका कर्मचारी हैं, कार्यदायी संस्था के माध्यम से लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको सीधे ई सिस्टम के तहत विभाग के माध्यम से वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अगर नगर निगम में ऐसे ठेका के तौर पर कर्मचारी हैं तो दोस्तों आप नीचे कमेंट में अपने जनपद का नाम जरूर लिखें, या आप किसी अन्य विभाग से हैं, ठेका कर्मचारी हैं तो नीचे अपने विभाग का नाम लिखें और हमें बताएं कि आपको क्या वेतन जो मिल रहा है वो पूरा वेतन मिल रहा है और आपके EPF की और ESI की कटौती की जा रही है, नहीं की जा रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।